हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता, वो भी इंडियन स्टाइल में। बनाना बहुत ही आसान है, आप इजीली इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये पास्ता खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। आप एक बार मेरी इस विधि से ये रेड सॉस पास्ता बनाएंगे ना, तो बार बार यही रेसिपी बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले एक बाउल में हम पानी गरम करने के लिए चढ़ा देंगे। उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच रिफाइन ऑयल। उसके बाद इसमें हम लेंगे पास्ता। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पास्ता लिया है। आप इस रेसिपी को पास्ता या मैकरोनी किसी भी चीज़ से बना सकते हो। उसके बाद इसे हम ढक करके इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छी सी उबाल आ चुकी है, तो इसे अच्छे से चला लेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल डालने से क्या होगा ना कि ये पास्ता आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो ये पास्ता बहुत ही इजीली बॉयल हो जाती है। आप देख सकते हैं, मैं इसे एक कट करके दिखाती हूँ, ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो चलिए इसे हम पानी से अलग कर लेते हैं। तो इसे मैंने पानी से अलग कर लिया है और इसे थोड़ी देर इसे जाली वाले बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें मैंने लिया है 1 चम्मच बटर, साथ ही 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए, इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई लहसुन लगभग 2 चम्मच और लहसुन को बढ़िया से हम इसे भून लेंगे। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होगा, इसमें अच्छी सी खुशबू आएगी, तो इसमें डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, साथ ही थोड़ी सी अदरक को ग्रेट करके लेना है और इसे हम बटर में बहुत बढ़िया से भून लेंगे। कुछ सब्जियां ली है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने लिया है गाजर और शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। सब्जियों को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, या इसमें आप अपनी मनपसंद की कुछ सब्जियां और भी ऐड कर सकते हैं। तो सब्जियों को हम थोड़ी देर तक बटर में अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 बड़े साइज के टमाटर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। इसमें टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि इसे हम रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं, तो ये ग्रेवी में ये टमाटर बहुत अच्छे से इसकी एक ग्रेवी तैयार होगी इतने टमाटर डालने से। तो आप टमाटर इसमें ज़्यादा डालें। इसको बढ़िया से चला लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच टमाटो केचप लिया है। थोड़ी सी मैंने ली है रेड चिली पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए इन्हें हम चलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक टमाटर जब तक सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक इसे हम अच्छे से भूनते हुए चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहीं पे जो हमने बॉयल किए हुए पास्ता रखे थे, उसे इसमें हमें डाल लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ओरिगेनो। अगर ओरिगेनो ना हो तो आप यहाँ पे मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक। आप चाहें तो यहाँ पे 1 चम्मच मेयोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। मैंने इसे यहाँ बिना मेयोनीज के बनाया है। और अब इसे बढ़िया से हम कर लेंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये रेड सॉस पास्ता बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए आप रेस्टोरेंट में ये महंगी रेसिपी खाना भूल जाएंगे। घर पे बनाइएगा, स्पेशली बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद होती है। तो बढ़िया से सॉस में हम पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इन्हें पकाना नहीं है। ऊपर से हम डाल देंगे चीज़। अगर आप चीज़ लवर हो तो इसमें भर के चीज़ डालिए। मैंने यहाँ पे क्यूब वाली चीज़ को ग्रेट करके लिया है। आप कोई भी चीज़ को इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। चीज़ डालने के बाद हमें इसे अच्छे से ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए इसे, तो बस थोड़ी देर इसे ऐसे ही हम ढक के छोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये सुपर टेस्टी डिलीशियस रेसिपी बनके हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक